यहाँ डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 का एक देखेंगे। क्वेश्चन करे यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस बहुपद के अनुसार हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान निकालेंगे। तो ये हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और क्या है, बीटा है। तो इसके अनुसार हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान निकालेंगे। तो इसमें हमारा ए का मान 1 है, बी का मान 10 और सी का मान क्या है 30। यहाँ पर ए का मान 1 और बी का मान हो गया 10 और सी का मान 30 हो गया। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है, यानी माइनस। अब बी का मान 10 और ए का मान 1, यानी माइनस 10 बटा 1 माइनस 10 हो जाएगा। अल्फा गुना बीटा निकालेंगे तो अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला सी बटा ए। सी का मान कितना है 30 और ए का मान 1, यानी 30 बटा 1 30 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फा गुने बीटा का मान निकल गया। अब आगे जो कह रहा है यहाँ पर कि जिसके अब यहाँ पर द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा दिया, तो यहाँ से अब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का योगफल निकालेंगे तो मूलों का योगफल निकालेंगे जिसके शून्य दो को दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को, यानी अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा और 2 बीटा 1 बीटा 3 बीटा। अब दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, कॉमन काट लिए तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब 3 गुना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस 10, तो क्या हो जाएगा माइनस 30, यानी मूलों का योगफल कितना हो गया माइनस 30 हो गया। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, किसका गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल निकालेंगे जिसके शून्य क्या क्या दिया है, अल्फा प्लस 2 बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा, दोनों क्या करेंगे गुना करेंगे एक बार, तो मूलों का गुणनफल निकल जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर गुना करेंगे, अल्फा को उठाएंगे बारी बारी से दोनों में गुना करेंगे, तो ये अल्फा में 2 अल्फा से गुना करेंगे तो 2 अल्फा का स्क्वायर और अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस, फिर 2 बीटा को उठाएंगे बारी बारी से दोनों में गुना करेंगे, 2 बीटा में 2 अल्फा से गुना करेंगे तो 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और 2 बीटा में 1 बीटा से गुना करेंगे तो 2 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर को एक जगह कर देते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा हो गया। यहाँ पर देखते हैं आगे, ये दोनों में से खाली यहाँ पर इसको पेयर बना देते हैं तो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में से कॉमन निकल रहा है 2, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और जो है उसके बाद लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब यह फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो सेम फॉर्मूला को बैठा देंगे, यानी 2 इंटू ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर जो लिखा है उसको लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करें क्योंकि हम इस बहुपद के अनुसार हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान निकाल चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो अल्फा और प्लस बीटा का माइनस 10 है तो माइनस 10 भर देंगे तो 2 इंटू माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकाल चुके हैं 30, तो 30 भर देंगे प्लस अल्फा गुने बीटा का मान भी फिर भरेंगे 30 से भरेंगे और प्लस 4 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान 30 भरेंगे क्योंकि 30 अल्फा गुने बीटा का मान निकला हुआ है। अब यहाँ पर 2 इंटू अब यहाँ पर माइनस 10 का स्क्वायर, तो माइनस 10 का स्क्वायर क्या होता है माइनस 10 गुना माइनस 10 गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 10 गुना माइनस 10 गुना में माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी 100 हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 10 का स्क्वायर का मतलब 100 हो गया और माइनस ये गुना करेंगे तो 60 प्लस ये 30 हो गया प्लस ये गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब 2 गुना इसको घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा प्लस 30 प्लस 120। अब ये गुना करेंगे तो 80 प्लस 30 और प्लस 120 सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 230 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम मूलों का योगफल निकाल चुके हैं, हम मूलों का गुणनफल निकाल चुके हैं तो निकाल दिए। तो अब यहाँ से हम द्विघात बहुपद आराम से निकाल सकते हैं। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है,
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है यहाँ पर, तो पी एक्स बराबर के कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, यही फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे, के कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यानी मूलों का योगफल हम क्या निकाले हैं, तो मूलों का योगफल निकाले हैं माइनस तीस, तो माइनस तीस भर दिए, माइनस तीस एक्स है तो क्या किए एक्स लगा दिए, एक्स लगाने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, करेंगे कि मूलों का गुणनफल भरेंगे, तो मूलों का गुणनफल का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो यहाँ पर 230 निकाले हैं, तो यहाँ पर 230 भर देंगे, प्लस कितना हो गया 230। अब यहाँ पर के कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस, यहाँ पर जो माइनस और माइनस दिया है वो क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, अब तीस है तो तीस लिख दिए, एक्स है तो एक्स लगा दिए, प्लस क्या हो गया 230 हो गया। अब यहां से जो अभीष्ट बहुपद हमारा होगा, अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस तीस एक्स प्लस 230, यही हमारा क्या हो गया एंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का दो देखते हैं, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस तीन के शून्यक है, तब उस बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यक 1 प्लस अल्फा बटा बीटा और 1 प्लस बीटा बटा अल्फा है। सेम उसी तरह बनाएंगे, सबसे पहले जो हमारा बहुपद दिया है वो क्या दिया है इसके अनुसार, इस बहुपद के अनुसार फिर हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान निकालेंगे। तो जो हमारा बहुपद है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस तीन के शून्यक यानी द्विघात बहुपद जो हमारा ये दिया है इसके अनुसार, इसके शून्यक जो दिया है अल्फा तथा बीटा है। अब इसमें जो है ए का मान कितना होगा, ए का मान एक, बी का मान चार और सी का मान तीन। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो फार्मूला माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी का मान चार, ए का मान एक, यानी माइनस चार बटा ए क्या होगा माइनस चार होगा, अल्फा गुना बीटा यानी सी बटा ए फॉर्मूला होता है, सी का मान तीन और ए का मान एक, तीन बटा एक बराबर क्या हो जाएगा तीन। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा गुने बीटा का मान निकालिए। अब करें उस बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यक 1 प्लस अल्फा बटा बीटा और 1 प्लस बीटा बटा अल्फा दिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, क्योंकि शून्यक दोनों का दिया हुआ है, तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला पहले क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे बार जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस अल्फा बटा बीटा, सॉरी आप प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक छिपा है, यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे सबका तो यहाँ पर क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ अल्फा, क्योंकि बीटा बीटा कटेगा तो अल्फा ना बचेगा, अब प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बीटा, यहाँ पर एक सेकेंड फर्स्ट एक सेकेंड, बीटा बटा अल्फा हो गया, बीटा बटा अल्फा, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बीटा बीटा कटेगा तो यहाँ एक सेकेंड, यहाँ फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर मूलों का योगफल निकालेंगे यानी क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो एक बटा एक प्लस अल्फा बटा बीटा कर दिए प्लस, फिर इसको जोड़ेंगे तो एक बटा एक का प्लस बीटा बटा अल्फा जोड़ दिए, अब बटा पर क्या जोड़ बनाएंगे, तो जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस भाई बीटा बीटा कटेगा तो क्या बचेगा अल्फा का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ पर अल्फा अल्फा कट जाएगा तो क्या होगा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एक यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर इसको ये एक जगह रख देते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, बटा अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब यहाँ पर टू अल्फा इंटू बीटा प्लस ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, बटा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो दो गुना अल्फा इंटू बीटा का मान हम निकाल चुके हैं तीन, तो तीन भर दिए, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान भी निकाल चुके हैं माइनस चार, तो माइनस चार का स्क्वायर कर दिए, माइनस टू अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं तो कितना आया है तीन, तो तीन भर दिए।
अब बाटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तीन, तक तीन भर दिए। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो द्वितीयाई छ प्लस माइनस चार का स्क्वायर 16 और माइनस द्वितीयाई कितना हो जाएगा, छः, बाटा में क्या हो गया, तीन। अब यहाँ पर प्लस माइनस छः कट जाएगा, यानी कि क्या हो गया, 16/3, यानी कि हमारा मूलों का योगफल कितना निकल गया, 16/3। अब फिर क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी क्या करेंगे कि इस दोनों को लेकर गुना करेंगे एक बार, तो 1 प्लस अल्फा बटा बीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो एक को उठाएंगे, एक से गुना करेंगे तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक, और प्लस एक में इतना से गुना करेंगे तो बीटा बटा अल्फा हो जाएगा, प्लस इसको उठाकर इसमें गुना करेंगे तो अल्फा बटा बीटा हो जाएगा, फिर इसमें इसमें गुना करेंगे तो अल्फा बटा बीटा गुना बीटा बटा अल्फा, ये बीटा बीटा अल्फा अल्फा कट जाएगा, यानी 1/1 प्लस बीटा बटा अल्फा प्लस अल्फा बटा बीटा प्लस 1/1 बचा। यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यानी कि लघुत्तम हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस यहाँ पर अल्फा अल्फा कटेगा तो बीटा बचेगा, तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ बीटा बीटा कटेगा तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बचा, बटा में क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर 2 अल्फा इंटू बीटा अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, बटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला है, 3, तक 3 कर दिए, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 4 है तो माइनस 4 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान 3 निकला है, 3 भर दिए, फिर बटा में क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 भर देंगे, यानी द्वितीयाई कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस द्वितीयाई 6 हो जाएगा, बटा में क्या हो गया, 3 है, 6 से 6 कट गया, यानी क्या हो गया, 16/3, यानी मूलों का गुणनफल भी 16/3 आ गया। अब यहाँ से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जो होता है, पी एक्स बराबर के कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करते हैं मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तो के कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, मूलों का योगफल कितना निकला है, तो मूलों का योगफल 16/3, तो 16/3 कर दिया इंटू एक्स, प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना निकला है, 16/3 निकला है। अब यहाँ पर एक लघुत्तम इसका क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट, यानी लघुत्तम 3 हो जाएगा, यानी कि यह होगा 3x² - 16x + 16। अब यहाँ से जो हमारा अभीष्ट बहुपद हो जाएगा, अभीष्ट बहुपद 3x² - 16x + 16, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।